जय बोले कि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों आज 26 जुलाई दिन है मंगलवार का, और जैसा कि आप सभी जानते हैं सावन का महीना चल रहा है। इस वक्त कांवड़ियों की यात्रा चल रही है, तो उसी के चलते दोस्तों आप सभी के लिए हम डेली एक नया ब्लॉग लेकर आते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी से, ताकि आप जो है माँ गंगा मैया के दर्शन कर सके। तो दोस्तों आज है शिवरात्रि का दिन, जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 जुलाई का दिन है आज। आज ही जो है दोस्तों गंगा जल चढ़ने वाला है कांवड़ियों का। तो चलिए दोस्तों, अभी सुबह का वक्त हो रहा है 7 बजे का, आप सभी को दर्शन कराते हैं हरिद्वार हर की पौड़ी से माँ गंगा मैया के। साथ ही जो है आप सभी को और भी तटों से जो है माँ गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हम चलेंगे भीमगोड़ा तट तक आपको दर्शन कराएंगे, साथ ही जो है शिव घाट से जो है आप सभी को दर्शन कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है आप सभी को शिव घाट तट की तरफ लेकर चलते हैं, वहाँ से आप सभी को जो है माँ गंगा मैया के दर्शन कराएंगे। दोस्तों ये है शिव घाट का नज़ारा, और सुबह का वक्त हो रहा है, देख सकते हैं जो मौसम है बिल्कुल साफ है, सूर्यदेव जो है उदय हो चुके हैं। और दोस्तों आपसे भी वो बता दूँ, धीरे धीरे जो है यहाँ से कांवड़ यात्री जो है जाने लगे हैं। ये देख सकते हैं शिव घाट का नज़ारा, इस वक्त जो है काफ़ी कम श्रद्धालु मौजूद हैं। और सुबह मैं बिरला घाट की तरफ से आ रहा था, वहाँ से भी काफ़ी सारे जो तट है खाली हो चुके हैं लगभग। और इधर में भी देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि कल 25 तारीख में यहाँ पर निकलने जितनी भी जो है जगह ही नहीं मिल पा रही थी, सभी घाटों से दूर दूर तक बिरला घाट तक भी भरे हुए थे। लेकिन अभी देखा जाए तो यहाँ से जो है काफ़ी श्रद्धालु कांवड़ यात्री जा चुके हैं। तो चलिए, अभी सुबह का वक्त हो रहा है, यहाँ से भी आप सभी को जो है शिव घाट से भी माँ गंगा मैया दर्शन कराएंगे, साथ ही भोलेनाथ जी के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अभी हम शिव घाट की ओर खड़े हैं, और यहाँ से भी आप भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। माता रानी के दर्शन कर सकते हैं, नंदी महाराज के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से गणपति महाराज के दर्शन कर सकते हैं, काली माता के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम खड़े हैं शिव घाट की तरफ, और शिव घाट से भी देख सकते हैं जो दूसरे वाले तट पे है। अभी जो है ज़्यादातर जो है श्रद्धालु यहाँ से जाने लगे हैं कांवड़ यात्री अपनी कांवड़ को लेकर, और सुबह का वक्त हो रहा है, सुबह का नज़ारा है इस वक्त 7 बजे का। तो चलिए आप यहां से भी जो है माँ गंगा मैया का दर्शन कर सकते हैं। अभी आपको भोले बाबा के दर्शन कराता हूं शिव घाट से। चलिए दोस्तों, आप शिव घाट से जो है भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हर की पौड़ी की तरफ, और ये हर की पौड़ी का नज़ारा, अभी आगे की तरफ चलेंगे हम। और इस तट से भी देख सकते हैं धीरे धीरे जो है श्रद्धालु जाने लगे हैं, ये तट भी खाली होने लगा है। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे से आप सभी को जो है माँ गंगा मैया के दर्शन कराते हैं हर की पौड़ी पर चलकर। दोस्तों अभी हम खड़े हैं भागीरथी सेतु पुल की तरफ, और ये है हर की पौड़ी का नज़ारा सामने, और सुबह का वक्त हो रहा है। दोस्तों आप यहां से जो है माँ गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। अभी चलेंगे हर की पौड़ी के मुख्य मंदिरों से आप सभी को जो है दर्शन कराएँगे माँ गंगा मैया के। दोस्तों अभी हम खड़े हैं अस्थि प्रवाह घाट के नीचे, और यहाँ से भी जो है आप माँ गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। और सुबह का वक्त हो रहा है, देख सकते हैं जो श्रद्धालु यहाँ से जाने लगे हैं, जो कांवड़ यात्रा है, भीड़ जो है कम होने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि 26 जुलाई का दिन है आज शिवरात्रि का, जहाँ से जो है इस वक्त ज़्यादातर जो है कांवड़ यात्री कल निकल चुके हैं। और अभी यहाँ पर जो है देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही है हर की पौड़ी पर। तो चलिए दोस्तों, आप सुबह के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं माँ गंगा मैया के। दोस्तों अभी हम खड़े हैं हर की पौड़ी के ऊपर ब्रिज की साइड में, और सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, सुबह का वक्त हो रहा है, देख सकते हैं श्रद्धालु जो है धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे हैं, भीड़ जो है यहाँ पर जो है कम होने लगी है इस वक्त, देख सकते हैं इतने ज़्यादा जो कांवड़ यात्री यहाँ से जा चुके हैं इस वक्त। तो चलिए दोस्तों, आप जो है हर की पौड़ी से मुख्य मंदिरों से आप सभी जो है माँ गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही सामने है ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर, तो यहाँ से भी आप जो है माँ गंगा मैया दर्शन कर सकते हैं, और शंकराचार्य मठ से भी जो है गणपति महाराज के दर्शन कर सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ नाई घाट का नज़ारा, और ये भोले लेकर जा रहे हैं अपनी डाक कांवड़ यात्रा। पानीपत हरियाणा के रहने वाले ये भोले। ये है दोस्तों नाई घाट का नज़ारा भागीरथी सेतु पुल की तरफ, और यहाँ पर भी देख सकते हैं
जो श्रद्धालु यहाँ से ज़्यादातर जा चुके हैं, तो चलिए यहाँ से भी आप माँ गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी जो है हर की पौड़ी के मुख्य मंदिर से भी माँ गंगा मैया दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी जो है महर्षि वाल्मीकि जी के दर्शन कर सकते हैं, यहाँ से आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप काल भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप सभी जो है नीलकंठ महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। सत्यनारायण महाराज के यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप बद्रीनारायण महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप माता काली के दर्शन कर सकते हैं। चलिए अभी आपको जो है माँ गंगा मैया मुख्य मंदिर से दर्शन कराते हैं। तो चलिए यहाँ से महादेव नंदी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। चल, यहाँ से आप माँ गंगा मैया दर्शन कर सकते हैं, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए आप सभी को जो है बद्रीनारायण जी के दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ से आप सभी जो है बद्रीनारायण महाराज के दर्शन कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं, सत्यनारायण जी के दर्शन कर सकते हैं, बजरंगबली महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, गणपति महाराज के दर्शन कर सकते हैं, नंदी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप राधा कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप भोलेनाथ जी के, नंदी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, गणपति महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये हर की पौड़ी का नज़ारा, जहाँ से आप सभी जो है सुबह के ताज़ा दर्शन कर सकते हैं माँ गंगा मैया के। दोस्तों, अभी आप सभी को जो है हर की पौड़ी से ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिरों के दर्शन कराता हूं। तो यहां से आप बालाजी महाराज, भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। यहां से आप जो है भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। यहां से भी दोस्तों आप जो है ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिरों से भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से भी दोस्तों आप राधा कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप सत्यनारायण महाराज के दर्शन कर सकते हैं और आरती भी ले सकते हैं आप। यहाँ से भी दोस्तों राधा कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये है ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर, जहाँ से आप माँ गंगा मैया दर्शन कर सकते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, सामने है ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिर, जहाँ से आप माँ गंगा मैया दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से भी आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से आप सूर्य नारायण जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को जो है हर की पौड़ी के मुख्य मंदिरों से माँ गंगा मैया के दर्शन करा दिए, साथ ही जो है ब्रह्मकुंड के मुख्य मंदिरों से माँ गंगा मैया दर्शन करा दिए हैं। अभी हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और यहाँ से जो है हर की पौड़ी का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम खड़े हैं ऊपर की तरफ और ये है हर की पौड़ी का नज़ारा, और देख सकते हैं जो धीरे धीरे है श्रद्धालु यहाँ से जाने लगे हैं। इस वक्त ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, जितनी जो है 25 तारीख को यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, निकलने जितनी भी जगह नहीं थी। तो अभी जो है लगभग यहाँ से जो है श्रद्धालु जाने शुरू हो चुके हैं। तो चलिए, आप जो है यहाँ से माँ गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। सुबह का वक्त हो रहा है 7:30 बजे का, तो अभी चलेंगे भीमगोड़ा तट की तरफ, वहाँ से भी आप सभी को जो है माँ गंगा मैया के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं संजय पुल की तरफ और ये है हर की पौड़ी का नज़ारा, और सामने है VIP घाट और वहाँ पर है विवेकानंद पार्क, जहाँ पर भोलेनाथ जी की बड़ी प्रतिमा स्थित है।
और बीच में है गंगा मैया की प्रतिमा। तो चलिए यहाँ से भी जो है माँ गंगा मैया के आप सभी जो है दर्शन कर सकते हैं। अभी चलते हैं आगे की ओर और देख सकते हैं धीरे धीरे जो है श्रद्धालु जाने लगे हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है, और दोस्तों ये है खेतेश्वर घाट और देख सकते हैं धीरे धीरे जो है कांवड़ यात्री यहाँ से जा चुके हैं। सारे घाट जो है लगभग धीरे धीरे खाली होते चले जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से भी आप भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। अभी चलते हैं भीमगौड़ा तट की तरफ। अभी दोस्तों हम आ चुके हैं भीमगौड़ा तट की तरफ और देख सकते हैं धीरे धीरे जो है यहाँ से कांवड़ यात्री जा चुके हैं। पूरे जो घाट है लगभग यहाँ से खाली हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आप भी यहाँ से जो है माँ गंगा मैया दर्शन कर सकते हैं और आप सभी को यहाँ से भोलेनाथ जी के दर्शन कराता हूँ मैं। तो चलिए यहाँ से भोलेनाथ जी के बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है 26 जुलाई दिन मंगलवार से हरिद्वार हर की पौड़ी से माँ गंगा मैया दर्शन कराए, साथ ही जो है और भी तटों से माँ गंगा मैया दर्शन कराए। और दोस्तों आज है शिवरात्रि का दिन और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली जो है मैं हरिद्वार हर की पौड़ी से आप सभी को माँ गंगा मैया के दर्शन कराता हूँ, साथ ही जो है एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आप जो है और भी कमेंट कर सकते हैं मुझे, अगर आप सभी जो है हरिद्वार के किसी भी तट से आप दर्शन करना चाहते हैं माँ गंगा मैया के, साथ ही आप किसी भी मंदिर से जो है दर्शन करना चाहते हैं हरिद्वार के, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी आप सभी के लिए वहाँ से जो है जल्द से जल्द आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आ सकूँ। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी लाइक शेयर कमेंट आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं।